यहाँ पर वो पैमाना भी है जिस पर कि खतरे के स्तर को नापा जाता है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो अभी 60 के स्तर को छू चुका है, जो खतरनाक है। और यूजुअली ये जो पाइप है ये तो पानी के बाहर ही रहा करता था, मगर अभी क्योंकि जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जो आंकड़ा है वो लगभग 60 पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा बढ़ा तो पटना वासियों के लिए मुश्किल हो सकती है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। हम लोग हैं पटना के गांधी घाट पे, जो गंगा के ओवरफ्लो से जूझ रहा है। मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए, ये गंगा पथ का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जो फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि बहुत तेज़ी से यह काम आगे बढ़ रहा है। दीघा के मीनार घाट से होकर यह पुल आगे कच्ची दरगाह रोड में मिलने वाली है, मगर फिलहाल इसके काम को रोक दिया गया है क्योंकि गांधी घाट पर जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बीते दिनों हुई तेज़ बारिश के बाद गंगा ने रौद्र रूप ले लिया है और यह पानी जो है अब गांधी घाट पर पूरी तरह से चढ़ चुका है। आप अगर पहले गांधी घाट पर आए होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ थीं जिसके नीचे तक पानी भी नहीं पहुँच पाता था। कभी तो गंगा इतनी छोटी हो जाती थी कि बहुत आगे तक हम लोग जा पाते थे, उधर दियारा बन जाता था और वहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे। मगर अभी पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है और बारिश भी बीते दिनों होती ही रही और लगातार जो है यह जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो आगे थमा नहीं तो एक संकट का सबब बन जाएगा। ये गांधी घाट है जहाँ पर पानी खूब ज़्यादा चढ़ गया है। बैठने वाले सीट्स के बीच में भी आप देख सकते हैं कि पानी घुसा हुआ है और जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है। वहाँ पर एंट्री गेट है जहाँ से लोग आते हैं, मगर फिलहाल नहीं आ पा रहे। आज तीसरा सोमवार है सावन का, तो कुछ श्रद्धालु लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं जो कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, मगर जहाँ पर सीढ़ियाँ थी, जो सेफ एरिया था, वहाँ पर ही इन्हें स्नान करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत डेंजरस है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि रस्सी के माध्यम से इस एंट्री को रोका भी गया है कि लोग इसके अंदर ना चले जाएं, और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो कोई खतरा हो सकता है। सामने पानी हर ओर भर चुका है और घूमने वालों के लिए, जो लोग गांधी घाट पर आया करते थे आनंद लेने, वो उनके लिए फिलहाल अभी गांधी घाट बंद कर दिया गया है। बस जो श्रद्धालु यहाँ शिव मंदिर में आ रहे हैं वो आ जा सकते हैं। यह वो रिवर फ्रंट है जो पटना में बना था, तो क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर है तो इस पर पानी चढ़ा नहीं है, मगर पानी इतना चढ़ चुका है कि अब वो गांधी घाट को क्रॉस करके उधर रोड पर भी जा सकता है। बहरहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, इसी तरह हर अपडेट और खबर हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। और आप देख सकते हैं कि इधर पानी कम है, मगर जब हम आगे जाएंगे तो पानी यहाँ तक चढ़ जा रहा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।